अभी देखो बच्चों, जो जो आपको किनार दी गई है इसका नाम है आर्यन हृदय और इसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि इस बात का शोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है, परवाह मत करो क्योंकि समय अनंत है, निरंतर कर्तव्य करते रहो, आज नहीं कल तुम सफल होकर रहोगे और उठो जागो रुको मत जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ऐसा मत इस काम का जो हंसे नहीं उठाए। आज इस किताब को डेली पढ़ना, इससे आपको एक महीने के अंदर काफी लाभ होगा। और मैं आप लोगों का 15 मिनट समय दूंगा और मैं काफी स्पूस में जाता हूँ। इस मैंने अभी तक मैंने 17 बार स्पीच किए हैं 17 स्कूल में जा करके, और आप लोगों को मैं 15 मिनट कुछ बातें बताऊंगा जो मैं बाकी के स्कूल में बताता हूँ, और जो भी प्रश्न मैं करूँ उसका आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना। आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार है क्या? हाँ या ना? मैं अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार है? हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था, क्या बेचता था? जबकि उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारों को हवा में उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और जाकर गुब्बारा खरीदते थे। आप भी जब मार्केट में जाते हो, आपको कोई सामान दिखता है, आपके मन में खरीदने की इच्छा होती है, आया ना? एक गुब्बारे वाले के पास एक काला बच्चा आया। कौन सा बच्चा? गुब्बारे वाले के शर्ट को खींचा। अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुब्बारे पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हैं, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। आप बताओ काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, गुब्बारे वाले ने भी यही कहा कि बेटा काला गुब्बारा भी उड़ेगा, क्योंकि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसकी अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। गुब्बारा की वजह से उड़ता है। कहने का ये मतलब है बच्चों, जिस भी गुब्बारे में गैस भरती जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? चाहे उसका रंग लाल हो, काला हो, पीला हो, बताओ। उसी तरीके से आप बच्चे यहाँ बैठे हैं, जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा होगी वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप में से किसी का रंग गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई कमजोर है, इसका संबंध आगे बढ़ने से नहीं है, आपके अंदर इच्छा कितनी है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा हो तो आपको आगे बढ़ने से मन हो सकता क्या? दिमाग किसी गरीब बच्चे का हो या किसी अमीर बच्चे का हो, दिमाग में कोई अंतर होता है क्या? अगर गरीब बच्चे का दिमाग की पढ़ाई में लगे तो उसे पढ़ाई समझ में आएगी या नहीं आएगी? जिस तरीके से किसी भी गुब्बारे में गैस भर दी जाती है वो गुब्बारा घूमता है, उसी तरीके से कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करे तो वो भी एक गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकता, बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकता? देखो क्या है कि हर चीज आसान है, हर चीज मुश्किल है। गुब्बारा यहाँ रखना है, अगर हम उसमें गैस भरेंगे तो गुब्बारा उड़ेगा। गुब्बारा रखा है, अगर हम उसमें गैस नहीं भरेंगे तो गुब्बारा नहीं उड़ेगा। उसी तरीके से आपके पास किताबें हैं, आपके पास समय है, आपके पास दिमाग है, लेकिन अगर आप दिमाग का उपयोग
कॉम्पिटेंट बनने में जाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर दिमाग का उपयोग जब समय बर्बाद करने में करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुकाबले में टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, अपने दिमाग को पढ़ाई में लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। और दिमाग को पढ़ाई में लगाना किसके हाथ में है? और आप सभी बच्चे सफल हैं। आपको मैं आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में जब आपने चलना शुरू किया था तो चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हार जाना, और हर बार गिरने के बाद फिर से उठकर चले थे, हार जाना। अगर गिरने के बाद आप फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आप चलना सीख पाते क्या? जब आपने फिर उठना शुरू किया था तो टेप के ऊपर ही प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? और प्रैक्टिस करते करते आप लिखना सीख गए। आज भी आपको वही काम करता है। हमारी बात ध्यान से सुना, सिर्फ 5-7 मिनट का समय है हमारे पास। आज भी आपको वही काम करना है। आज भी आपको कई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, कई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको बताते हैं, आपको बार बार प्रयास करता है। क्या करना है? बार बार अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, आ जाना। और प्रयास करना किसके हाथ में है? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है, मुश्किल है? स्टूडेंट आज से ज्यादा प्रयास करेंगे, हाथ उठाओ। Thank you.
सर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ कि हार नामे बहुत कुछ बातें हमने सीख ली है, और सिर्फ सुनना अहमियत का नहीं है, सुनकर उस पर अमल करना पुष्टि करना ये फायदे का होता है। सर आप आकर हमारे बच्चों को जानकारी दी, हम आपके आभारी हैं। ऐसे भी बच्चे कार्य करेंगे, और ये हिंदी की किताब है। अच्छा कोई एक लड़की या कोई एक लड़का आकर यह बता दो हमको कि ये 15-20 मिनट में हमको ये बात मालूम हो गई और ये इस तरीके से अमल होना चाहिए, कोई आकर बोलेगा यहाँ पर लड़का या लड़की बोलिए। क्या बोली? तो तुम क्या करोगे फिर? 10 साल की मेहनत करोगे? हाँ, भविष्य बनाएगा।